वेलकम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप अब मुकम्मल तरीके से फ्री हो चुके हैं अपनी ईद हॉलीडे से। बिकॉज एक बात का तो हमें मालूम है, बहुत सारे लोग तो पहले फारिग हो गए थे जो सरकारी छुट्टियाँ थी उनके मुताबिक, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने लंबा वीक इंजॉय किया। बट मुझे इत्तेफाक हुआ वैसे रात को, चूंकि मैं मोटरवे से ट्रेवल कर रहा था, देन आई हैव सीन कि बहुत सारी गाड़ियाँ वापस आ रही थी लाहौर की जाने, जिससे मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों की छुट्टियाँ अब खत्म हो गई। अनफॉर्चुनेटली ईद की छुट्टियों में बहुत सारे लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल किया है, लेकिन स्टिल शुक्र है कि इतना ज़्यादा रश और उस तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली और लोग वापस जो कहले सेफली आ गए अपने और ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया एग्जैक्टली। लेकिन एक हुंजा वाली साइड पे हम उसकी बात करेंगे, वहाँ पे इस तरह के वाकयात हुए कुछ। और ये जो साई सिचुएशन है कि अब आपकी वेकेशन खत्म हो गई है, बैक टू नॉर्मल है, मंडे का दिन है, मंडे ब्लूज आपको तंग करे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी छुट्टियों के बाद इतनी छुट्टियां आपको दी है, अब आपको किसी किस्म के मंडे ब्लू ग्रीन कुछ भी नहीं होने चाहिए, कम से कम एक वीक तो नहीं होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, बहरहाल वी बिलीव कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। आप सबको एक बार फिर गुज़िश्ता ईद मुबारक और हम बाकायदा से इस वीक का आगाज भी करेंगे। इसके साथ साथ जी गर्मी की एक शदीद लहर है जिसने पाकिस्तान को, पंजाब और सिंध को खासतौर पर बड़ा शदीद हिट किया है। और कल जो पंजाब में टेम्परेचर था, आज भी इवन इट्स 40 डिग्रीज और बहुत ज्यादा गर्मी है। दादू के इलाके में दीगर जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी है और दर्जे हरारत में भी शदीद इजाफा हो रहा है और मुल्क भर में इस वक्त जो है गर्मी एक शदीद लहर गर्मी की जा रही है। अच्छा, दूसरी जानब इमरान, वैसे भी अभी हीट वेव के हवाले से महकमा मौसमियात ने खबरदार किया था कि हीट वेव आएगी, तो इसी सिचुएशन में सब लोग एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लें और इस मौसम के पेश नज़र आपको अब जो जो गैर जरूरी तौर पर जो लोग बाहर जाते हैं कोशिश करें अवॉइड करें ताकि मौसम की गर्मी को मिजाज की गर्मी पे हावी ना होने दें, जो हमेशा कहते हैं। इसके साथ बाकायदा आगाज करते हैं जी और सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मौसम की शिद्दत बढ़ने से सियासी टेम्परेचर भी हाई, हुकूमत और अपोजिशन दोनों सड़कों पर आ गए, जलसे पर जलसा, इल्जामात और जवाबी इल्जामात की बौछार। पीटीआई की हुकूमत मुखालिफ तहरीक, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में 20 लाख अफराद लाने का ऐलान, बड़े शहर जाम करने की हिकमत अमली भी तैयार। जो मर्जी करना है कर ले, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इलेक्शन मुकर्रा वक्त पर ही होंगे, वज़ीर-ए-आज़म का साबिक वज़ीर-ए-आज़म को दो टोक पैगाम। सियासत में इदारों को घसीटने की रविश बरकरार, सियासी गुफ्तगू में इदारों के जिक्र पर पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR की गहरी तशवीश और नापसंदीदगी का इजहार, मुसल्ला फौज को सियासत से दूर रखने पर जोर। हुकूमत बदल गई, आवाम के हालात न बदले, महंगाई ने 3 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया, मुर्गियां, अंडे, गोश्त, सब्जियां और फल मजीद महंगे, यूटिलिटी स्टोर्स पर 14 अशियाए जरूरिया पर सब्सिडी भी खत्म, कीमतों में इजाफा। और वादी हुंजा में शीश पर ग्लेशियर झील से पानी के अखराज से तबाहकारियां, मुतासर इलाकों में जरूरी सामान की फराहमी और बिजली बहाली का काम जारी। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, आपको अंदाजा हो गया होगा पावर पैक किस्म का शो है, बहुत कुछ है पॉलिटिकल डिस्कशन, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर मौसम की है जो हमने आपको दी, लेकिन इसके साथ साथ मुल्की सियासत की भी है। जैसा कि प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में हमने बात की, मौसम के साथ जो मुल्की सियासत है, इसका दर्जा हरारत भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। जैसा कि इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि ईद के बाद जो सियासी हंगामा खेजी है वो बढ़ जाएगी, तवक्को के ऐन मुताबिक हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों सड़कों पर हैं, जलसे पे जलसे हो रहे हैं, इल्जामात और जवाबी इल्जामात की जो बोछाड़ है इस वक्त वो सियासत में नजर आती है। जिक्र करें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का, तो वो लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, मुल्की और बैरूनी मुल्की जो उनके कारकुनान हैं उनको मुतहरिक करने के लिए कोशा हैं और इस वक्त मुल्क भर में जलसे करें। और कल इस सिलसिले में वो एबटाबाद गए, अवामी ताकत का उन्होंने वहां पे भी मुजाहरा किया, जारहाना खिताब किया, अमरीकी साजिश का बयानिया दोहराया, हुकूमत को दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि जितने मर्जी कंटेनर्स खड़े कर दें, 20 मई के बाद 20 लाख लोग इस्लामाबाद लेकर आऊंगा। साथ ही पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का प्लान फाइनल कर लिया और इस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए
हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा खास से बात की जाए तो 5 लाख अफराद है, पंजाब और सिंध से 6-6 लाख, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 1 लाख कारकुन इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और मुकम्मल जैम करने की स्ट्रैटेजी बड़े शहरों के हवाले से भी बनाई जा रही है। और इस तमाम तर एक्टिविटी का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, जो बाहर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक के फौरी इलेक्शन कराए जाएँ। और साथ साथ दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साहब की भी बात जी बिल्कुल, उनकी कुछ सीनियर सहाफ़ियों से CPNE का जो वफ्त है उसके साथ उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने वाज़ह किया कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद ने इस मौके पर पाक फौज को मुखातिब करते हुए फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। इससे पहले हम अगर बात करें तो मरियम नवाज ने इदारे की एक अहम शख्सियत को इमरान खान की बेसाखियाँ करार दिया था, जिस पर जो पाक फौज का शोबा ताल्लुकात आमा है उसने कल गहरी तशवीश और नापसंदीदगी का इजहार किया। और बयान में यह कहा गया कि मुल्क में जारी जो सियासी गुफ्तगू है इसमें दानिस्ता तौर पर जो पाक अफवाज हैं उनकी क्यादत को मुलविस करने की कोशिश की गई है। ये कोशिशें बराह रास्त या बिलवास्ता अवामी फोरम्स और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ फोरम से की गई हैं। और इस मौके पर जो पाक फौज है उनके तर्जुमान का ये भी है कि पाक फौज को सियासी मामलात में मत घसीटा जाए, उससे दूर रखा जाए। ये स्टेटमेंट फिर कल आई है। इसी सारी सूरत हाल पर ज्वाइन कर रहे हैं हमें सीनियर तजियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं अब इस पॉइंट टाइम में। इम्तियाज़ गुल साहब सबसे पहले तो सुबह खैर, काफ़ी दिनों के बाद अला सुबह आपसे मुलाकात हो रही है ऑन स्क्रीन, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया। आपके सामने है सारी सिचुएशन जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमने इंट्रो में अपने नाज़रीन के सामने रखा है। आपका क्या तजिया है, हालात किस जानिब जा रहे हैं हम अगर गुल साहब सियासी तौर पे बात करें? देखिए एक तो बात है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, सियासी मौसम और कुदरती मौसम भी बहुत बताया जा रहा है कि इस साल गैर मामूली होगा। लेकिन एक बात बड़ी वाज़े है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म जो बयानियाँ लेके चले हैं जी, उसको किसी तरीके काफ़ी हद तक वो जो ख़ास तौर पर जवान आबादी है पाकिस्तान की उसके साथ वो एसोसिएट कर रही है खुद को जी। और यही वजह है कि उनके अब तक जितने भी जलसे हुए हैं गैर मामूली हुए, और भले हुक्मरान जमात मतलब मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी उस हवाले से जो मर्जी कहे, लेकिन एक हकीकत यह है कि लोग उनके पीछे जा रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। एक अलबत्ता उसका डाउन पॉइंट ये है कि उसकी वजह से इश्तियाल बढ़ रहा है और दोनों तरफ से फिर वो चूंकि होता है ना कि शिकवा जवाब शिकवा या जवाब जो देते हैं फिर रद्द अमल आता है, तो वो एक गैर मामूली जज्बाती इश्तियाल अंगेज फिजा मुल्क में बन रही है। फिर खास तौर पे वजीर दाखला को देख लें, वजीर इत्तलात को देख लें जिस अंदाज में, क्योंकि जो लोग हुकूमत में होते हैं उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उन्हें कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक जमहूरी अकदार के मुताबिक बात करनी चाहिए। अपोजिशन वाले तो फ्रीलांसर्स होते हैं, वो उन्हें कुछ लूज नहीं करना होता है, तो अगर हुकूमत भी जिस तरह पिछली हुकूमत थी तो वो भी अपोजिशन के मूड में रही, अभी फिर अपोजिशन में है तो मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन का काफ़ी उसके वज़रा ने ये रोल इख्तियार कर लिए, तो बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। और मेरा ख्याल है बेहतरीन रास्ता वही है जो सब लोग कह रहे हैं, खुद मुस्लिम लीग के ख्वाजा आसिफ साहब ने और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने भी कहा है कि हमें जल्द से जल्द इलेक्शन करा लेना चाहिए जब भी मुमकिन है, ताकि ये जो गैर यकीनी की और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है ये ख़त्म हो। इसलिए कि अभी तो वज़ीर आज़म को अपने समेत में 11 जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं और उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो ये एक चूँचार का मुरब्बा बन गया है जिसकी वजह से इस निज़ाम में इस्तेहकाम नहीं आएगा। अच्छा इम्तियाज़ साहब, अभी आपने इश्तियाल अंगेजी की बात कि जो मर्जी है, फॉलोइंग है साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की भी, और दूसरी जानब हुकूमत की जानब से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन साथ साथ कल अफवाज पाक की जानब से बड़ा एक सख्त बयान दिया गया कि फौज को सियासत से दूर रखा जाए। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है माजी में, बहुत सारी हुकूमतें इस तरह का अपना बयानियाँ अपनाती हैं अफवाज पाक के हवाले से। लेकिन दूसरी जानब मैं पब्लिक की भी बात करूँगी, ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था कि फौज के खिलाफ खुलकर अवाम इतना ज्यादा वोकल होकर बात करे। क्या आपको लगता है कि सियासतदानों को अपनी इस रविश से थोड़ा हटना पड़ेगा कि हम पब्लिक को भी प्रोवोक कर रहे हैं अपने इदारों के खिलाफ? इसमें मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को ताज्जुब क्यों हो रहा है, इसलिए कि आप देख लीजिए
मरियम सफदर साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब, आबिद शेर अली, ख्वाजा साद रफीक, नवाज शरीफ साहब लंदन से अभी 4-5 महीने पहले बड़ी ज़ोरदार तकरीर उन्होंने की थी, और तमाम इन लोगों की तकारीर में मुसल्ले अफवाज को ख़ास तौर पे निशाना बनाया जाता रहा है मार्च के शुरू तक, यानी जब तक तहरीकी आदम एतमाद पेश नहीं हुई थी। ये सब यही बातें करते रहे हैं जो कि इस वक्त आपको ट्विटर पे या फेसबुक पे नज़र आती है। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है, ये इन लोगों की बुनियादी कन्वेक्शन है कि फौज कई मामलात की जिम्मेदार है और कई मामलात को बिगाड़ने की वजह फौज है और फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए। अब चूंकि तासुर ये लोग तासुर ये पैदा कर चुके हैं, इसके साथ साथ फिर जो दूसरी जमातों के लोग हैं, फिर पीटीआई के अंदर भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान की बर्खास्तगी में या उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में फौज का भी कुछ किरदार है, तो जाहिर उसको आप रोक तो नहीं सकते। आज से 10 साल पहले ट्विटर इतना नहीं था जितना आज है, फेसबुक इतना इस्तेमाल नहीं होता था जितना आज है, तो वो जो भी इदारे जो भी लोग इस किस्म के अगर काम करते हैं, अगर वो इस काम में मुलव्वस हैं या कुछ जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग, सोशल या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, अगर तो आप लोग ये काम कर रहे हैं फिर सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, लेकिन जब क़यादत की तरफ से रोका नहीं जाता, सियासी क़यादत की तरफ से, आपको पता है कारकुन तो उधर देखता है जिधर उसकी क़यादत देखती है, और अगर क़यादत की तरफ से रोका नहीं जाता तो शय मिलती है कारकुनान को और फिर ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है, जो कि तश्वीशनाक है, ये नहीं होना चाहिए, वट आई पर्सनली थिंक। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपने चूँकि जल्द इलेक्शन का जिक्र किया कि सबकी ये डिमांड है, और कुछ जो मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमती जमात है इस वक्त, उसकी जो मरकजी क़्यादत है, अहम रहनुमा है, उन्होंने भी इसका मुतालबा किया, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इस इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या ये फिजिबल है हुकूमती पार्टीज के लिए कि वो इलेक्शन के अंदर जाएं? मैं पॉलिटिकली बात करूं, क्या सियासी टेंपरेचर उनको इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है? कोई इमरान खान की इस पॉपुलैरिटी पब्लिकली जो इस वक्त काफ़ी मौजूद है, उसके बावजूद वो पॉलिटिक्स वो इलेक्शन के लिए जाएँ, क्या उनको ये माहौल मिल रहा है इस वक्त आपके ख्याल में और चले जाएँगे वो? देखिए, माहौल मिलता है नहीं मिलता, अर्ली इलेक्शन हो जाए तो सबके लिए सबकी इसमें बेहतरी है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर तो शहबाज शरीफ साहब का ये ख्याल हो उनके और साथियों का कि उन्हें एक साल सवा साल मिल जाएगा तो वो इस मुल्क में नोट बहा देंगे हर तरफ और उसके ज़रिए अपना अगला इलेक्शन जो है उसको सिक्योर कर लेंगे, तो ये मेरा ख्याल है गलतफहमी है, क्योंकि हमेशा जो मौजूदा हुकूमत होती है अगर वो इलेक्शन का सामना करे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स उसके खिलाफ चले जाते हैं, हर मामला उसी हुकूमत के खाते में डाल दिया जाता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई, अशय खुराक, पेट्रोल, और बड़े स्ट्रगल कर रही है मौजूदा हुकूमत पेट्रोल के हवाले से, क्योंकि उनका बयानिया एक है लेकिन हकीकत कुछ और है। सो ये तमाम फैक्टर्स मौजूदा जो सिटिंग हुकूमत होती है उसके खिलाफ जाते हैं, लिहाजा इनके जितने भी तजुर्बाकार लोग हैं उनका भी यही कहना है कि हमें जल्द जल्द इलेक्शन में चले जाना चाहिए ताकि ताज़ा मैंडेट हम लेके आए और उसके जरिए फिर अगले 4-5 साल तक इत्मीनान के साथ हुकूमत कर सके, अपनी पॉलिसियों पर अमल दरामद करवा सकें। इस तरह बहुत अरसे तक ये नहीं चल सकता है जिस तरह अभी ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुमताज़ुल साहब, दूसरी जानब इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जी मैं 20 लाख बंदा लेकर आऊँगा, और जो लॉन्ग मार्च को उन्होंने ऐलान किया है उन्होंने मुख्तलिफ शहरों के हवाले से, और फिर स्ट्रैटेजीज भी बनाई गई हैं। अब एक जानब तो उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन दूसरी जानब हुकूमत के लिए ऑब्वियसली अभी जिस तरह की हमारी इकनॉमिक सिचुएशन है इकॉनमी की, फिर उसके अलावा दीगर मामलात हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उस सारी सिचुएशन में ये लॉन्ग मार्च होना, और फिर खान साहब आपको पता है अभी फिलहाल पॉपुलैरिटी तो उनकी पीक के ऊपर है, लोग आएंगे चाहे 20 लाख आए ना आए लेकिन लोग आएंगे, ये तो प्रेडिक्टेबल है, तो हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग होगा और उनकी जो इस हवाले से स्ट्रैटेजी आपको क्या लगता है क्या होगी? देखिए, जाहिर है जिस मुल्क में जिस शहर में इस किस्म की एक्टिविटी होती है वहाँ के लोगों को परेशानी होगी, कारोबारी ज़िंदगी मुतासर होता है, लेकिन अगर ये सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो तो फिर किसी हद तक 1-2-3 दिन चूँकि सड़कें वगैरह बंद होती हैं काफ़ी नुकसान होता है ट्रांसपोर्टर्स का भी, बिजनेसेस भी, तो वो मेरा ख्याल है कि ये कुछ सोच समझ के करना चाहिए। बार हर रोज़ के जलसे, हर रोज़ के धरने कोई मईशत के लिए कोई
अच्छा शगुन नहीं है, और वैसे भी चूंकि हमारी, हम इसको कहते हैं स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, शहरी हमारे परफॉर्मेंस पिछली हुकूमत में ठीक रही, अभी भी अभी तक ठीक है, लेकिन अगर इसको 2-3-4 हफ्ते तक अगर गैर यकीनी रहती है, जलसे जुलूस होते हैं, सड़कें बंद होती हैं, तो उसका फिर बहसत मजमू इज्तमाही जो नुकसान होता है वो बिजनेस का और आवाम का होता है। तो इसके लिए कोई इमरान खान को और उनके साथियों को सोचना पड़ेगा अब, लेकिन उनको एक जुनून में मुबतला है, वो कहते हैं कि हमने अर्ली इलेक्शन के लिए जोर डालना है। वैसे मेरा अपना ये ख्याल है, हो सकता है कि उसकी नौबत ना आए, क्योंकि दर पर्दा हमें जो इशारे मिल रहे हैं कि बातचीत चल रही है, अच्छा, कि धरने तक की नौबत ना आए, या जो इस्लामाबाद में भले 10 लाख या 5 लाख लोग आते हैं, क्योंकि अगर 5 लाख लोग भी इस्लामाबाद में आ जाते हैं तो इस्लामाबाद अमलन बंद हो जाएगा। 20 लाख तो ठीक है, उन्होंने कह दिया, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि पसे पर्दा जो बातचीत चल रही है इस अंदाज में हो के लोग मान जाएं, बड़े लोग, कि हम आइंदा इलेक्शन अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में करवा देंगे, ताकि धरने की नौबत ना आए। यकीनी तौर पे एक स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन, एक स्टेबल सिचुएशन के लिए बहुत जरूरी है। इम्तियाज गुल साहब सेड, गुल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर एनालिसिस जी, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया, एनालिसिस सुना आपने। हम एक ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो जरा इकोनॉमी पे भी एक निगाह डालेंगे, एज अर्मला सेड बड़ी नाजुक सूरत हाल है, इस पर भी बात ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, बात कर लेते हैं अब कुछ मौसम की सूरत हाल की। जैसे कि हमने शो के शुरू में भी बात की थी, वादी हुंजा में शिस्पर ग्लेशियर के हवाले से, इसमें एक झील आपको मालूम है, इसमें तुगयानी आई और उसके बाद जो एक बड़ा अहम पुल है शाराए कुराकरम पे बना, हसन आबाद पुल, मशहूर ज़माना इनफैक्ट, वो पुल गिर गया और इससे शाराए कुराकरम का एक हिस्सा भी मुतासर हुआ है। ज़रई और पीने के पानी का निज़ाम तकरीबन तबाह होकर रह गया है और इस वक्त सूरत हाल बड़ी मखदूश है। वज़ीर आज़म ने मुतासर इलाकों में खुराक वगैरह पहुँचाने की हिदायत की है, जो मकामी आबादी है उसने ये मुतालबा किया है कि इस पुल को जल्द अज जल्द इसकी तामीर जो है उसको दोबारा से मुकम्मल किया जाए। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से भी क्या लेटेस्ट वहाँ पे काम जारी है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। शबीर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, क्या सिचुएशन है, जो पुल तबाह हुआ था उसके बाद इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी, कोई ओवरऑल अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो कल परसों जो वाकया पेश आया था हुंजा हसन आबाद के इलाके में शिस्पर ग्लेशियर पे जो लेक बनी थी उसके फटने के बाद, तो वो जो सैलाबी रेला गुजरा था उससे जो सबसे मेन जो डैमेज पहुंचा था वो शाराए कराक्रम पे मौजूद उस पुल को पहुंचा था, जो न सिर्फ पाक चाइना जो ट्रेड है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका वाहिद जरिया था, तो वो मुकम्मल तौर पे मुनहदम हो चुका था, जिसके बाद गिलगित से अपर हुंजा और चाइना के लिए जो आमदोरफ्त की ट्रैफिक की वो मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हो चुकी थी। अब कल हंगामी बुनियादों पर चीफ सेक्रेटरी ने विज़िट किया, उसके बाद चेयरमैन NHA ने भी उस इलाके का विज़िट किया, इंजीनियर्स भी मौजूद थे, FW के अफसरान भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि जी ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को बहाल करने के लिए आर्जी तौर पर उस इलाके पे जो स्टील ब्रिज है जो टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, वो कम से कम उसको इंस्टॉल होने में 7 से 10 दिन का टाइम लग सकता है। उसके जो सामान है, पुर्जे वगैरह है, वो वहाँ पे पहुँच चुका है, तो बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आर्मी इंजीनियर से FW वाले हैं वो वहाँ पे अब इस पे बाज़ाब्ता तौर पे वर्किंग शुरू कर दी है, आइंदा हफ्ता से 10 दिन के दौरान जो स्टील ब्रिज है वो मुकम्मल तौर पर आबादी के हवाले से हमें बताएगा, जो आबादी मुतासर हुई वजीर आजम ने हिदायत की कि वहाँ पे इमदादी सामान पहुँचे, क्या पहुँचा है और कितनी आबादी है मुतासर है, क्या लोग ठीक हैं इस सूरत हाल के बाद या सूरत हाल मखदूश है, जरा आबादी के हवाले से हमें बताइए। जी बिल्कुल, जो मैं आपको बुनियादी तौर पे अगर एक बैकग्राउंड उसका बता दूं तो जो हसन आबाद है उससे मुतसला जो गांव है जो ज़्यादा डैमेज हुआ था वो था शेराबाद, वहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज नहीं थे, तकरीबन कोई 30 के करीब घराने ऐसे थे जो बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिनके अमलाक, जिनके बागात और जिनके जो जरी ज़मीनें थी वो मुतासिर हुआ, उनको फौरी तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसी रात को उस इलाके का दौरा करके उनको वहाँ से जितने भी स्ट्रैंडेड फैमिलीज थे उनको खेमा बस्तियों में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उन्हें हर कस्म की जो सामान है, अद्वियात है, खाने पीने की अशिया है, पानी वगैरह है, उनको मुहैया कर दिया। जबकि उसके अलावा जो आबादी के हवाले से शबीर हौसला अफजा चीज़ें हैं कि वहाँ उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जा रहा है। शबीर हुसैन बहुत
बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शबीर हमारे साथ मौजूद थे कि वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ मुकम्मल होने को हैं और दीगर मामलात को भी देखा जा रहा है, आबादी के हवाले से भी ठीक है मामलात। दूसरी जानब इस वाक़े का जो ऑब्वियसली ताल्लुक है वो क्लाइमेट चेंज से भी है, अगर हम किसी ना किसी तरह से देखें तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से और वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं इस तरह के वाक़ात होते हैं और इसका इम्पैक्ट आता है ओवरऑल हमारे क्लाइमेट के ऊपर। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद है, हमारे माहौलियात, उनसे हम बात कर लेते हैं। मरियम थैंक यू वेरी मच। और मरियम ऑब्वियसली ये वाकया मामूल का तो नहीं है, इस तरह से आए रोज़ क्लाइमेट के हवाले से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अलार्मिंग हैं और हमें इस पर कंसिडर करने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले जो आप इस वाक़े के थोड़े पर्सपेक्टिव से बताएं कि इज़ इट अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमें किस तरह से इसको फोकस करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेंशन भी किया है ये बिल्कुल क्लाइमेट चेंज की वजह से है। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जैसा कि आपने कहा कि मामूल के नहीं होते हैं, तो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ऑफ कोर्स आपका 10 साल 20 साल बाद नजर आना शुरू होता है। और लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में ये काफी अर्से से क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, जिसे ग्लॉप होते हैं, ग्लेशियर लेक ऑफिस पर्स। इसमें होता ये है कि जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये इम्पैक्ट आपको इतना शदीद नजर आ रहा है कि एक तरफ एक्सट्रीम हीट वेव्स है और ऑफकोर्स नहीं हीट वेव्स और गर्मी की वजह से आपके ग्लेशियर्स फिर पिघलते हैं और ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं बहुत सारा पानी एक साथ आता है, तो इस तरह के जो फ्लड्स जैसे आया यहाँ पर इसी तरह के आते हैं और नुकसान आपके जानी, इस केस में तो अल्लाह का शुक्र है कि चूंकि आबादी कम थी तो जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनका इकोनॉमिकली काफी लॉस हुआ है। ऑफकोर्स इनके घर तबाह हुए हैं, इसके अलावा इनके फ्रूट्स के बागात थे वो हुए हैं, इनकी एग्रीकल्चरल लैंड थी वो जाया हुई है इस इलाके के। अच्छा, तो मरियम ग्लेशियर्स का इटसेल्फ पिघलना कितनी बड़ी इंडिकेशन है? एक तो नॉर्मल रूटीन के अंदर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, एक होता है कि जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जैसे यहाँ पे हसनाबाद के इलाके में हुई है, एक तो ये कि इटसेल्फ कितना बड़ा इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का ग्लेशियर्स का इस तरह से पिघलना, और ये जो करंट सिचुएशन बनी है इसके तनाजुर में आप क्या समझती हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या गर्मी ही है, क्लाइमेट का तब्दील होना है, कोई और वजह है? जी बिल्कुल, ये 1 डिग्री टेम्परेचर जो साइंस इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है जो एक्सपर्ट्स इस पे बहुत सारे ऑथर्स दुनिया के कंट्रीब्यूट करते हैं और ये रिपोर्ट साइंस बहुत अरसे से जो है वो अपने सामने रिपोर्ट्स देती रहती है और उससे भी और काफी सारे दूसरे रिसर्चर्स को भी अगर आप देखें तो आपको यही बता रहे हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर जो चेंज हुआ है और इसी तरह अगर कार्बन एमिशन होती रही, जैसे कार्बन एमिशन कोल के इस्तेमाल की वजह से उन सब चीजों की वजह से जो एमिशन आपकी होती रहेंगी, तो इसी तरह से आपके टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ता है तो कोर्स आपके डिफरेंट इम्पैक्ट होते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं, किसी जगह बहुत बारिशें होती हैं, किसी जगह जो है वो सैलाब आते हैं, इसी तरह ग्लेशियर के पिघलने से, और ग्लेशियर का पिघलना इटसेल्फ बहुत बड़ा इंडिकेशन है और बहुत बड़ा ये थ्रेट भी है आपके फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि ग्लेशियर अगर इसी तरह मेल्ट होते रहे तो ऑफकोर्स फ्लडिंग तो कॉज करते ही हैं, लेकिन आपके ग्लेशियर एक तरह का आप समझे कि वो आपका बैंक होते हैं, एक तरह का रिजर्व होते हैं आपके, और अगर ये ज्यादा होते हैं तो इससे बहुत सारे और भी रिलेटेड इम्पैक्ट आएगा। अच्छा मरियम, क्विकली हमें ये भी बताएगा, ऑब्वियसली स्टेट लेवल पर ओवरऑल पूरी दुनिया में इस हवाले से काम करना चाहिए भी, होना भी चाहिए, लेकिन क्या किस तरह से रोल प्ले किया जा सकता है? ऑब्वियसली हम अगर आपने कहा कि 10 या 20 साल बाद एक क्लाइमेट किसी भी सिचुएशन में हमें इम्पैक्ट नज़र आता है तो उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होनी चाहिए, हमें किस तरह से इस पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए? जी एक तो सबसे पहले अगर हमें पता हो तो हम इसकी कोर्स मिटिगेशन पर काम कर सकते हैं। मिटिगेशन में ये होता है कि आप जो है वो अगर आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में इस तरह के इम्पैक्ट्स होंगे जो कि होते हैं प्रिडिक्टेड हैं, साइंस से प्रिडिक्ट किए हुए हैं, तो आप उसके इम्पैक्ट का जो है वो बंदोबस्त करते हैं, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करते हैं, आप एमिशन पे कंट्रोल करने की बात करते हैं, लेकिन इस केस में जो इस तरह के इम्पैक्ट है इसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आपका पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आप ग्लोबली एमिशंस देखें जो ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करें वो लेस देन 1% है, आपके सारे दुनिया के इसमें ऑफकोर्स एमिशंस इन्वॉल्व है और वो सारे कंट्रीज को अपने टारगेट जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर है वो मीट करने होंगे, वो टारगेट कम करने होंगे, ग्लोबल एमिशन कम करनी होगी, रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका हल ये होता है कि आप कम्युनिटीज की जो एडेप्टेशन है उन पर काम करो, पता है कि इस इलाके में सैलाब आते रहेंगे तो उनकी एडेप्टेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और इस तरह के दूसरे इनिशिएटिव है, बट देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, चलिए बिल्कुल, देयर इज नो शॉर्टकट। मरियम थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, आपने हमें कुछ मोटी मोटी बातें इस हवाले से बताई। सबका हुकूमत की तरजीह थी क्लाइमेट के ऊपर काम करना, वी बिलीव की मौजूदा हुकूमत की भी हो, और ये बहुत अलार्मिंग चीज है
है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और उन लोगों के साथ हमारी हमदर्दियाँ भी हैं जो इस वाक़े से मुतासर हुए हैं। अल्लाह करे आपकी मुश्किल जल्द आसान हो। इस पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा। वेलकम बैक। कुछ इकॉनमी की बात करते हैं। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है इस वक्त वो काफ़ी अलार्मिंग हद तक नुकसानदेह है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखें हम, आवाम की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। महंगाई का तूफान मज़ीद तेज़ हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है और एशियाई ज़रूरियात की कीमतें आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। मुर्गी की कीमतों को पर लग गए हैं। दूसरी जानब टमाटर हों, प्याज हों, बिजली की फ़ी यूनिट प्राइस हो, में भी 3 रुपए अरमला हसन इजाफा कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बात की जाए तो आटे का जो 20 किलो का थैला है 1100 से बढ़कर 1400 तक पहुंच गया है। गंदम के नए बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। डीजल और बिजली के हवाले से उसके बहरान की बात की जाए, डॉलर की ऊंची उड़ान है, ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं। तजारती खसारे की बात की जाए तो 39 अरब डॉलर, जबकि करंट अकाउंट जो खसारा है वो 13 अरब डॉलर से तजावज कर गया है। इट्स अ ह्यूज नंबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने माहौलियाती पैकेजेस के हवाले से सऊदी अरब यूए के दौरे किए हैं और इस हवाले से तरक्याती पैकेजेस मिलने की नवीद भी सुनाई है, जबकि IMF से मामलात तय पाने के हवाले से भी खुशखबरी दी गई है। चीन से भी कमर्शियल कर्जों की तौसी का इम्कान जाहिर किया गया है। इस हवाले से क्या पेशरफ्त है, इसी पर भी हम बात करेंगे। हमें मोहतरम डॉक्टर सलमान शाह साहब ज्वाइन करे हैं, मईशत के माहिर हैं, बतौर साबिक वजीर खजाना भी खिदमत सर अंजाम दे चुके और पंजाब हुकूमत में भी अभी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उनसे जरा हम बात करते हैं, वो इस सारी सूरत हाल से मुल्क को निकालने के लिए क्या राय रखते हैं, क्या बेहतर इकदाम हो सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, एक तो सुबह आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ आप मौजूद हैं। सो आपके तजर्बे से थोड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है ये हमारे मुल्क के लिए नई तो नहीं है, लेकिन अफसोसनाक बात यह कि इस वक्त हम जिसे कहते हैं तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। चाहे हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, हम अपने ट्रेड डेफिसिट की बात करें, इट्स स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट 39 बिलियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी जानब एक्सपोर्ट्स बढ़ने का फिलवक्त कोई ऐसा इंतज़ाम मौजूद नहीं है, कॉस्ट कंपेटिटिव नहीं है, हमारी बिजली इतनी महंगी है। आप इस सिचुएशन का अहाता कैसे करेंगे, हम इस वक्त कहां खड़े हैं, एंड व्हाट शुड दिस सिटिंग गवर्नमेंट डू टू गेट रिड ऑफ दिस ऑल सिचुएशन? देखिए, एक तो ये है कि ये जो मसला है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का, ये बड़े अरसे से बन रहा है, क्योंकि इसके 2-3 बड़े मेजर रीजंस हैं। एक तो रीजन ये है कि हमारे बैरून मुल्क कर्जे जो हैं वो हमने बेदरेगी से बढ़ाए हैं और पिछले कम से कम 15 साल में हमने इसको आउट ऑफ कंट्रोल होने दिया, जिसको हम डेट ट्रैप कहते हैं। सो आपको पता होगा कि 2006 में हमारे पास एक कानून आया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन। उसके मुताबिक कर्जों को हमने कंट्रोल करना था 60% से कम पे रखने, लेकिन 2007 के बाद से उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया गया और कर्जे आउट ऑफ कंट्रोल हुए, और हत्ता के जो बैरूने मुल्क कर्जे हैं वो तो तकरीबन हमारे लिए वबाले जान बन चुके हैं, क्योंकि उनका सूद भी पे करने के लिए हमारे पास डॉलर्स नहीं है और हमें और कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ऑटो पायलट पे एक्सटर्नल डेट तो हमारा ऑटो पायलट पे आ गया और हर साल हमें 10-15 बिलियन डॉलर्स उसका वापस भी करना है और उसको रीफाइनेंस करना है। इसका मतलब है कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स में बड़ी अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए कि ये कर्जे जो हैं ये वापस करके फिर नए कर्जे लेंगे, वो भी वापस करेंगे। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी रेपुटेशन ठीक हो, जिसका मतलब ये है कि IMF के साथ आपका प्रोग्राम भी ठीक चलना चाहिए। दूसरी तरफ हमारी इकॉनमी, जो आपने बात की कि हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट्स खासी बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी हमारी बिजली का जो निज़ाम है वो इतना ख़राब है और इतना महंगा है कि ना, और वो भी डॉलर्स में है, क्योंकि वो बिजली को भी हमने इंपोर्ट्स के ऊपर लगा दी है और कारखाने जो हैं गैस कोले के या ऑयल बेस्ड जो हैं बिजली के कारखाने वो सारे इम्पोर्टेड हो चुके हैं। बिजली तो आप डॉलर्स में बनाते हैं और उसकी कीमत जब आप वसूल करते हैं वो रुपीस में करते हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करते हैं, एक्सपोर्ट के लिए वो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा ये जो है मुसीबत पड़ी हुई है। और तीसरी तो बात ये है, जी डॉक्टर साहब, 40 साल से हम जंग में हैं और हमने
अमेरिका की जंगें भी लड़ी हैं, हमने पहले रूस के साथ जंग लड़ी, फिर अमेरिका की तरफ से हमने जंग लड़ी, अब हम आपस में लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये जंग सबसे हालात में इकॉनमी को उन्होंने कहा कि जो साबका हुकूमत थी इसने बड़ी सख्त शरायत के ऊपर IMF से मुआहिदा किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर हो तो मैं शायद ये मुआहिदा नया करूँ पुराने मुआहिदे को अमेंड करने के बजाय। एक तो आप बींग फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस बात से किस हद तक मुतफिक हैं कि हमने सख्त शरायत पर मुआहिदा किया जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी, चूँकि कोविड भी था, हम एक टफ सिचुएशन में थे, पिछली हुकूमत को सख्त फैसले लेने पड़े, और फिर क्या अभी हम अगर एक नए मुआहिदे की तरफ IMF से जाएँ, हमारा एक कॉन्फिडेंस तो है उनके साथ, अभी रिसेंट भी हमारी मुलाकातें मिफ्ता इस्माइल की फाइनेंस मिनिस्टर की बेहतर रही हैं, तो क्या हम एक नए मुआहिदे पर जा सकते हैं IMF के साथ जिसमें कुछ रिलैक्स हो जाए, हम थोड़ा बेहतरी मिले हमारे आवाम की जानिब हुकूमत को? नहीं, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि IMF रिलैक्स कैसे करेगी? अगर वो रिलैक्स करेगी तो आप ठीक नहीं हो। ये तो ऐसे कहना है ना कि डॉक्टर जो है वो आपको आधी दवाई दे क्योंकि उसकी आपके ऊपर साइड इफेक्ट्स हैं, तो अगर वो आधी दवाई देगा तो फिर आपका इलाज मुकम्मल नहीं होगा। प्रॉब्लम तो यही है कि इसहाक डार साहब मुल्क के कर्ज डाला, बहुत ज्यादा कर्जे लिए सागदार साहब ने क्योंकि वो समझते थे कि एक्सचेंज रेट जो है उन्होंने लोअर पे, तो उसी तरह अल्टीमेटली जब आपके ऊपर इतने ज्यादा कर्जे बढ़ जाते हैं और आप उनको वापस नहीं कर सकते, उनकी सर्विसिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो मेंटेन नहीं हो सकता क्योंकि आपने जो मर्जी आप एक्सचेंज रेट अगर उसको ओवर वैल्यू करेंगे तो फिर आपके रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, और हमने ओवर वैल्यू करके रखा हुआ था तो वही बात हुई कि रिजर्व्स हमारे खत्म होने शुरू हो गए। और अब भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि यूक्रेन की जंग है, ये एक डिफरेंट एलिमेंट आ गया है, उसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान पे गई हुई हैं, हमारे बिजली का निज़ाम तेल पे डिपेंडेंट है, कोयले पे डिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत पर गई हैं। फिर हमारी आबादी के लिए हमें कई बहुत एसेंशियल फूड आइटम्स, कुकिंग ऑयल वगैरह लेना पड़ता है, वो बहुत महंगे हैं। तो अब तो आप एक परफेक्ट स्टॉर्म में आ चुके हैं। ये तो नो कॉन्फिडेंस मूव जब आई है, बड़े गलत टाइम पे आई है, इसने इकोनॉमी को हिला दिया, उस दिन से ही आपकी एक किस्म की डाउन हिल आप चलना शुरू हो गए क्योंकि अच्छा। एक डिस्ट्रप्शन हो सही। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानब डॉलर की से भी तो कहा जा रहा है कि 160 रुपए तक वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, उसमें उससे जो शरह सूद है उसमें जो कमी है उसके हवाले से भी उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है, तो आपको लगता है कि डॉलर की जो भी उड़ान हमारे सामने है और मौजूदा जो सूरत हाल जिसका एनालिसिस आप खुद भी कर रहे हैं कि ये अभी बहुत जो हम एक स्ट्रॉम के बीच में है उसमें डॉलर को कम करना 160 तक लेकर आना अब पॉसिबल होगा? अगर दार साहब के पास 20-25 अरब डॉलर कहीं पड़े हैं और वो आके यहाँ हमारी मार्केट में डाल दें तो डॉलर नीचे आ जाएगा। डॉलर क्या ही फुकदान है ना, तो ये डॉलर की मार्केट है, इसमें सप्लाई और डिमांड का जो है वो इक्विलिब्रियम इस वक्त 187 रुपये का डॉलर हुआ हुआ है। अब अगर उसमें डॉलर की आप ले आए कहीं से तो वो नीचे आ जाएगा, तो ये तो इतना कोई अच्छा, रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये भी, डॉलर आएंगे। पिछली हुकूमत भी और मौजूदा हुकूमत भी जो इन्वेस्टर था या फिर जो मार्केट के अंदर जैसा कि आपने कहा कि सर डिमांड एंड सप्लाई मार्केट उसका कॉन्फिडेंस बहाल नहीं कर पाई, एक 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 अजीब क्या कहना चाहिए सूरत हाल का शिकार रहा, कंफ्यूज रहा जो मार्केट के अंदर शख्स मौजूद था, और अब भी ऐसा ही लगता है। और जाहिरी बात है हमें मालूम है कि इसका ताल्लुक हमारी सियासी सूरत हाल से है, जब तक हमारी सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होती, जो पिछले 3 साल में भी एहतसाब के नाम पर ठीक नहीं हुई, जो अब भी ठीक नहीं लग रही और अब भी वही धरने एहतजाज लॉन्ग मार्च का सिलसिला जारी है, तो आपके ख्याल में जो मुल्क की सियासी क्यादत है चाहे वो हुकूमत में है इस वक्त या अपोजिशन में है, लोग सब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस वक्त ये लोग जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और मुल्क की इकॉनमी को देखते हुए पॉलिटिकल सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें? देखिए, ये तो बिल्कुल एक नो ब्रेनर है ना कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर ना आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा ना आपके साथ कोई तजारत करेगा, क्योंकि जब उन्हें पता है कि अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो पूरा नहीं हो पाएगा
तो वो तो एक नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, तो ये सारी चीजें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट सब जी डॉक्टर, सिर्फ जो जड़ है बिजली का निजाम है, हमने एक ऐसा बिजली का निजाम बनाया है जो इम्पोर्टेड है और वो है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, यानी कि उसके एक तो वो बहुत महंगा हमने बनाया है, ओवर जो कॉस्ट उनकी बहुत ज्यादा रखी गई। ठीक है, बिल्कुल सही, देखा ही नहीं महंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसको हम रुपयों में कीमत लेते हैं, वो भी आधी कीमत लेते हैं, तो इससे निकलना बहुत जरूरी है, इसका सर्कल से निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा भी किसी मौजू में, इसी मौजू पे किसी नशिस्त में आपसे बात होगी। डॉक्टर सलमान शाह कह रहे थे कि इस वक्त हमारा जो बिजली प्रोड्यूस करने के हवाले से खासतौर पर सर्कल से निकलना पड़ेगा, इस पर बात करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद, शो के दूसरे घंटे में आ चुके हैं। आज पीर का दिन है और बिल्कुल पीर का दिन है, और चूंकि रमजान के बीच में निकले तेरी तलाश में के लिए हमने ब्रेक लिया थोड़ा, हमने कहा सफर नहीं करते चूंकि रोजे हैं ना, तो इसलिए रोजों के बाद दोबारा से ये सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। वकार अहमद मलिक एंड दी ग्रेट मुस्तनसर हुसैन तारण साहब हमारे शो का हिस्सा। स्वाद की निकले तेरी तलाश में क्या है मैं नहीं बताऊंगा, वकार भाई से ही जानते हैं, देखते हैं आज के निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तार साहब से उनकी एक और खूबसूरत किताब पर जिसका नाम है नांगा पर्वत, और नांगा पर्वत जो है उनकी उन किताबों में उसका शुमार किया जा सकता है जो एक तो इब्तिदा में लिखी गई यानी नॉर्थ के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और एक आवारा गर्द की सही रूह जो है ये इन किताबों में आती है, हंजा दास्तान, नांगा पर्वत, के टू कहानी और इस तरह की किताबों में। लेकिन जो नांगा पर्वत है इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि ये बहुत इब्तदाई सफ़रनामों में शुमार होता है तार साहब के। नांगा पर्वत दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी है, 1953 में इसको हरमन बोल ने सर किया, उसके बाद मैसनर के हवाले से ये बहुत मशहूर हुई, मैसनर ने इसको 3 दफ़ा सर किया, और मैसनर की जो एक कहानी है उस पर एक फिल्म है नांगा पर्वत जर्मन लैंग्वेज में, तो वो बहुत खूबसूरत फिल्म है। बहुत सारी किताबें इस पहाड़ पर लिखी गई, बहुत सारे चेहरे हैं इसके, बहुत सारी जहतें हैं इस पहाड़ की, और इस पहाड़ तक जो तार साहब पहुँचे ये तकरीबन 80s या लेट 80s का ज़माना था, ये तार साहब से पूछेंगे। और नांगा पर्वत एक ऐसा तलिस्माती पहाड़ है जिसके हवाले से बहुत सारी देवमालाई कहानियाँ जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हैं, बहुत सारी फोक टेल्स इसके साथ जुड़ी हैं। सो नांगा पर्वत पर बात करेंगे, नांगा पर्वत की किताब पर बात करेंगे, और बात करेंगे तार साहब के साथ। बहुत शुक्रिया तार साहब, नांगा पर्वत कमाल खूबसूरत सफ़रनामा है, इसमें बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि आवारा गर्द की रूह नज़र आती है, और उसकी एक वजह ये भी है कि आप मुझे इस किताब को पढ़ते हुए जब मैंने एक जगह जहाँ पे आप रायकोट ब्रिज से आपका सफ़र स्टार्ट हुआ है तो वो उस वक्त आपके पास खाने को भी कुछ नहीं था, और आपके जो दोस्त हैं वो गिलगित से वो भूल गए थे कि वहाँ से उन्होंने को खाना लेना है, तो इस तरीके से एक अजीब व गरीब यानी, और उसके बाद रायकोट से तत्व तक आप पैदल गए। तार साहब सबसे पहले तो ये अब इस किताब की बात की जाए तो इसमें आपके दो हम सफ़र हैं, एक मतीउर रहमान हैं और एक निज़ामी साहब हैं, और मतीउर रहमान साहब और निज़ामी साहब किस तरह आपके साथ गए, आपने उनको कायल किया पहले, क्या वो गए हुए थे, और अगर आप पहले ये तारुफ करवा दें अपने हम सफ़रों का और उनके साथ आपका तजर्बा कैसा रहा, मतीउर रहमान के बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, इससे पेशतर कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सफ़रनामा निगार जो होता है वो बड़ा खुशकिस्मत होता है कि एक सफ़र वो खुद करता है मतलब 10 दिन का, लेकिन जब उसे लिखता है तो 5-6 महीने या साल भी लग सकता है, दैट मीन्स कि वही सफ़र एक्सटेंड हो जाता और वो एक साल तक उस सफ़र में रहता। जी बिल्कुल। एक तीसरी जो ऑप्शन तुम्हारी वजह करके आई है वो ये है कि आप वो तमाम फिर रिवाइव कर रही हो मेरी मेमोरीज, तो मैं अब तीसरी मरतबा उस सफ़र पर निकला हूँ। तो मतीउर रहमान के बारे में पूछा, मतीउर रहमान जिन मौलवी साहब से मैंने कुरान पाक पढ़ा था, मैं मस्जिद में गया था डायरेक्ट, स्कूल में नहीं गया था, तो उनका बेटा था, और उसकी शख्सियत को बयान करना मुश्किल है क्योंकि फतूर था पूरे ख़ानदान में, और इसी वजह करके वो इंटरेस्टिंग बंदा था, जिनके दिमाग में फतूर होते हैं हमारे भी है, जिनके ना हों तो बिल्कुल नॉर्मल लोग
मतलब हम मुझे कभी कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं होती नॉर्मल लोगों से, तो मतीब रहमान बहुत जिसको कहते हैं लावाली किस्म, स्टेट इंश्योरेंस में बहुत बड़ा अफसर था, एकदम उसने हाथ देखने शुरू कर दिए, मलिक साहब थे एक पामिस्ट, उनसे ट्रेनिंग हासिल की, फिर बड़ा अच्छा पामिस्ट बन गया, फिर पामिस्ट्री के ऊपर किताब लिखी, उसका दिवाचा मैंने वैसे लिखा था, और उसने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं आपका हाथ भी उसमें देना चाहता हूँ, वो जो प्रिंट्स वगैरह थे। तो मैं चूँकि यकीन नहीं रखता, मैं समझता हूँ कि आप अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं, लकीरों से नहीं बनी होती, लेकिन दिवाचा वो मैंने पूरा लिखा, फिर उसको मैं ले गया नॉर्थ पे। अच्छा, उससे पहले वो गंधारा में इंटरेस्टेड था, उससे पहले वो एंटीक्स में इंटरेस्टेड था, फिर सिक्कों के ऊपर आया, चुनाचे उसकी बदलती रहती थी, आज वो कुछ है कल कुछ और है, और फाइनेंशियल हवाले से इतना केयरलेस बंदा मैंने कहीं नहीं देखा कि अगर कमी है पैसे की तो किसी दोस्त से 3-4 हज़ार रुपया उधार लिया है, लेकिन उससे पहले किसी और दोस्त को मिलने जाना है उसके लिए खुराक ले गया 3 हज़ार रुपये की, मतलब इस किस्म का वो था। तो वो मेरा रफीक था और उसकी अपनी इडियोसिंक्रेसीज थी, और पहला हमारा सफ़र जो था वो उसके लिए था फेरी मेडोज़ के लिए। तो फेरी मेडो में मुझे अब तक याद है कि वो सुबह सवेरे उठना पड़ता था उस ज़माने में, क्योंकि सड़क नहीं थी, तो बॉर्डर रिज जो है उसको क्रॉस करना होता। अच्छा, कोई आइडिया नहीं, मैंने वो बस जिस तरह मैं एक विम पे चला जाता हूँ ना कि नदीर साबर की मेज़ तले क्रोमर लेक की तस्वीर है, तो उस पर फिदा हो गए, और उसके बाद रातों में वही नज़र आने के जाना है वहाँ। तो इसी तरह फेरी मेडो का जब मैंने हवाला पढ़ा बाहर की किताबों में, लोनली प्लैनेट वगैरह में, यहाँ बहुत कम लोगों को मेरा ख्याल खबर ही नहीं थी किसी कि भाई वहाँ जाना है, तो जीएम बेग का बेटा जो है इकराम, उससे बात की, खैर उसने कहा कि जी मैं वहाँ से तातू है जगह, वहाँ से पोर्टर मंगा दूंगा, वो लंबी कहानी हो मैं लिख चुका हूँ। तो सुबह सवेरे हम 3 बजे वहाँ से हुए शुरू हुए, और बॉर्डर रिज के बारे में हरमन बहल जो है जिसने कॉन्कर की जर्मन नंगा पर्वत जो है, उसका ये कहना कि इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट रिजेज आई हैव एवर क्रॉस्ड, क्योंकि बिल्कुल यूं करके वो तातू का नाला जो गंदक का उसके ऊपर ये खड़ी है, और एक छोटा सा रास्ता साथ जा रहा और ज़रा सी, और उसके बाद ये है कि 11 बजे वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो यू कैन डाई ऑफ थर्स्ट, उस किस्म की सिचुएशन थी। मती साहब जो थे वो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये होगा, हालांकि मुझे बहुत जवान था। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 11 बजे के करीब वहाँ पिंडी से गिलगित जाता जहाज़, जब वो हम बॉर्डर रिज के ऊपर थे और प्यास बहुत लगी हुई थी, बहुत बुरा हाल था, समझ नहीं आती थी, पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी जगह पहुँचना है, कोई आइडिया नहीं था ना। तो ऊपर से जहाज़ गुजरा तो मती ने बड़ी सीरियसली जहाज़ को मुखातिब करके कहा कि ऐ लोगों, कभी इस तारण के साथ ना जाना, ये मुझे जानबूझ के लेके आया, ही वॉज वेरी सीरियस, ये मुझे मरवाना चाहता है यहाँ पे, एक्चुअली मेरे वालिद साहब ने बचपन में इसको फेंटी लगाई थी बहुत, तो इसने जेहन में रखा कि मैंने बदला लेना, मैं उनका बेटा हूँ, ये मुझे यहाँ लेके आ गया सिर्फ इसलिए कि इसने मुझे मरवा देना। तो बाद में वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। तो ये मतीब रहमान था, उसकी बड़ी ट्रेजिक एंड भी बड़ा ट्रेजिक हुआ, बल्कि इरफान जावेद ने उसकी शख्सियत पे बड़ा अच्छा खाका एक लिखा है, बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है। एक रात 11 बजे घंटी हुई, मैं लेटा हुआ था, उठा मैं गया बाहर, मतीब रहमान खड़ा हाथ में एक बुलंदा, सर साहब ये मैंने नावल अभी अभी मुकम्मल किया, इसको इस साल का नोबल प्राइज़ मिल रहा है। अच्छा, ये आप इसको ये ना कहें कि ये कोई फ़नी बात है, ही विल बी वेरी सीरियस अबाउट इट, और आप इसको पढ़ें। मैंने कहा ये पब्लिश नहीं हुआ तो नोबेल किस तरह मिल जाएगा, कहने का हो जाएगा, खुद ही करेंगे, ये मैं भेजूंगा ना उनको, तो ये डेफिनेट है, और फिर आप बहुत फ़ख्र करेंगे मुझ पर कि मेरा एक दोस्त जो है वो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी। तो मैंने वो पढ़ा और हैरत अंगेज़ हद तक वो ठीक था नावल, वो इतना बुरा नहीं था, चुनाचे उसके बाद वो भूल भाल गया कि मैंने क्या करना है, फिर उसको पुराने दरवाज़ों का शौक हो गया,
वो मतलब पूरे पाकिस्तान में घूम रहा है, घड़ियों का शौक हो गया, बेशुमार वो जेबी घड़ियां ले आया, मेरे पास भी दो तीन पड़ी हैं। अच्छा, उसकी फैंटसी ये होती थी टू गेट रिच, और वो कहता था ये घड़ी मैंने ली है 500 की, ये लंदन के क्रिस्टी में बिकेगी 50,000 डॉलर में। इस तरह वो बेशुमार पैसे खर्चता था, और जाहिर है कि उसका एक दफ़ा आपको 8-10 मिनेचर पेंटिंग्स ले आया, बड़ी कहेंगे ये मेरे बड़ी सस्ती मिल गई, और आपको पता है मिनेचर की बड़ी कीमत है, और ये मतलब है कि एक एक लाख डॉलर में बिकेगी कम से कम, मैं सिर्फ 10,000 फी में दे के आया हूँ, 1,00,000 रुपए में 10 पेंटिंग। तो मैंने उनको देखा तो बाकायदा उनमें से कुछ का पेंट गीला था, कहता था 1,000 साल पुरानी। तो बहरहाल मैं उसको याद करता हूँ बहुत, उसकी इडियोसिंक्रेसीज को, और लेकिन ही वॉज वेरी गुड कंपेनियनशिप। डॉक्टर साहब, उनकी डेथ कैसे हुई, यानी बहुत ही अर्ली मतलब उनकी वफात हो गई थी? बस हाँ, ही वॉज यंग, ही वॉज एटलीस्ट 10 ईयर यंगर देन मी, तो वो सीरियसली नहीं लेता था चीज़ों को ना, मतलब कि अगर उसको शुगर थी उसको थोड़ी बहुत, उसको सीरियसली नहीं लेगा, तो कहेगा कि इस शुगर का इलाज ये है कि जी भर के आप मिठाई खाएं, वो खाना शुरू कर देता था। चुनाचे उसका कोई मतलब कि ठहर नहीं सकता था, सतवारा लेक गया तो वहाँ पे किसी ने बताया कि वो सोना है उसमें रेत में, वो उसकी पोटली ले गया, यहाँ पे मुख्तलिफ लेबॉरटरीज को दिखाया, उन्होंने कहा कि जी इसमें बहुत कम है, उन्होंने कहा नहीं मैं पूरा वो मैं तलाश कर लूँगा, उसके नीचे एक सोने की कान है जहाँ से ये पानी आ रहा है सतपारा का, और फिर मैं आई विल बी बिलियनेयर। तो इस किस्म की फैंटेसीज थी उसकी। और डॉक्टर साहब आपके साथ जो दूसरे हम सफ़र थे निज़ामी साहब, मतलब मतीउर रहमान तो कमाल कमाल इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे, और निज़ामी साहब भी बहुत दिलचस्प किरदार थे, तो निज़ामी साहब आपके साथ वो भी पहली दफ़ा गए थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। निज़ामी साहब को बस बरगला के ले गए, हम लोग पढ़ाते थे, लेफ्ट के बंदे थे, शादियाँ वादियाँ मुतद्दद उन्होंने की थी, उनकी बातें बातें सुनाते रहते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जाना हमने फेरी मेडोज था, तो हम हुंजा करीमाबाद किले की जानब जा रहे हैं, तो एकदम खड़े हो गए, कहने लगे भाई मुझे दर्द हो रहा, मैं नहीं, मैंने कहा किस किस्म का दर्द, कहने का ना मैंने आपको बताया नहीं मुझे दिल की तकलीफ है। मैंने कहा निज़ामी साहब खुदा का वास्ता आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले तो बताते तो आप ले कर नहीं आते थे। मैंने कहा कि हम पहाड़ चढ़ना है वहाँ फेरी मेडोज जाना, मैं आपको नहीं ले जा। अच्छा, बड़ा इंसिस्ट किया कि मौत का तो एक दिन मुअय्यन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको वहां से हमने वापस भेज दिया। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू सुनी आपने तार साहब की, और नागा पर्वत पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, देखते रहिए निकले तेरी तलाश। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के हवाले से, जिसके तलबा पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ एजाजात आपके लिए लाते रहते हैं, हमारे शोज़ में भी आते रहते हैं, दुनिया उनको सराहती है। 2021 की अगर बात करें तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के ज़ेर एहतमाम एक वर्चुअल मुकाबला हुआ, जिसमें जीकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और इस फेज़ में प्रपोज़ल सतह पर पाकिस्तान के लिए दुनिया भर से दूसरी पोजीशन हासिल की, और जो रीसेंट मुकाबले हैं उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन उनकी दुनिया भर में सामने आई है। अच्छा, ये जो रीसेंट मुकाबला इस हवाले से, क्योंकि ये तो इमरान ने 2021 के हवाले से बताया, ये जो लेटेस्ट मुकाबला हुआ इसमें इनको इस तरह का ड्रोन तैयार करना था जो कि वैक्सीनेशन के हवाले से, हमें पता है कि कोविड की जो सिचुएशन थी उसमें वैक्सीन डिप्लॉयमेंट के हवाले से इन्होंने एक ड्रोन बनाया, और उसमें इनकी जो सेकेंड पोजिशन है एशियन टीम्स में, जबकि ओवरऑल इन्होंने इस प्रपोजल फेज में 16वीं पोजिशन हासिल की। पहला जो मुकाबला था वो वर्चुअल हुआ था, और ये जो अब मुकाबला जिसमें इन्होंने सेकेंड पोजिशन ली है ये फिजिकल मुकाबला हुआ स्टेट्स के अंदर। तो इस हवाले से टीम इन्विक्टस हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है अलिशपा जावेद, उसके साथ साथ मोहम्मद अजीज और सैयदा फातिमा। जी की गई स्टूडेंट्स हैं, इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, खुश आमदीद, बहुत इस बात पे आपकी मुबारकबाद कि आप हकदार हैं कि आपने बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन ली, आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले तो अजीज़ आपकी जानिब आएंगे, ज़रा अपनी इस प्रपोजल के हवाले से हमें बताएं जिसमें आपने ये कंपटीशन विन किया है, और क्या ये ओवरऑल आप लोगों के क्या क्या स्पेसिफिकली आपकी पोजिशन या डेजिग्नेशन हैं जिस तरह से आप लोग काम करते हैं एज ए टीम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। फर्स्ट ऑल
तो बेसिकली जो हमारा कंपटीशन होता है वो आरसी एयरक्राफ्ट हम डिज़ाइन करते हैं, मतलब पिछले 11 साल से टीम की लेगेसी है, 2011 से हम स्टार्ट हुए थे और आरसी एयरक्राफ्ट हम डिज़ाइन करते रहे हैं। तो इस साल जो हमारा मिशन स्टेटमेंट था जिस पे हमने जहाज डिज़ाइन किया था वो ये था कि हमने, आपने देखा होगा पिछले साल कोविड का दौर था, तो उस हिसाब से आया ने हमें मिशन स्टेटमेंट दी थी, इसमें हमने कोविड वैक्सीन वायरस जो थे वो डिप्लॉय करने थे रिमोट एरियाज पे। तो हमने जो हमारा आरसी एयरक्राफ्ट था उसको इस तरह डिज़ाइन करना था क्योंकि जो वाइल्ड पैकेजेस होते हैं वैक्सीन के वो ब्रिटल होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं काफ़ी, तो मतलब उन चीज़ों को मद्देनजर देख के एज इन के आपके वायल्स डिस्प्लेस ना हो जाए या टूट ना जाए विद इन फ्लाइट, तो उन रिस्ट्रेंट्स को देख के हमने अपना जो प्लेन था वो डिज़ाइन करना था। और उधर काफ़ी टीम्स आई थी तो सारों में से जिनका बेस्ट डिज़ाइन था उस हिसाब से टीम्स रैंक हुई थी। मैं फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग हेड हूँ, मेरे साथ सैयदा फातिमा है वो डिज़ाइन हेड हैं और लिशबा जावेद हैं ये स्पॉन्सरशिप एंड मार्केटिंग को हैंडल करती हैं हमारी टीम की। अच्छा, तो लिशबा का जॉब तो बाद में आता है, प्रोडक्ट जब बन जाती है तो उसको मार्केट करना। तो चलिए आप हमें बता दीजिए फिर आपकी प्रोडक्ट में ऐसा क्या है या ऐसा क्या था जो आपको लगा कि इसको मुख्तलिफ बनाता है बाकी प्रोडक्ट से और उसी वजह से आपने अच्छी अच्छी अटेंशन ग्रैब की इस कॉम्पिटिशन के अंदर। सो बेसिकली हमारा जो एफर्ट्स पुट इन करने का शुरू होता है, बेसिकली हम लोग जब हमें आया की तरफ से रूल्स आते हैं हम तब से कंसिस्टेंटली एफर्ट्स पुट इन करना शुरू करते हैं। एंड ये फ्लाई ऑफ्स तक एक टीम की लगातार वो होती है, मेहनत होती है जो कि इसको एक यूनिक एक्सपीरियंस हम सब के लिए बना देती है। एंड इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, बी एट मार्केटिंग, बी एट स्पॉन्सरशिप, बी एट द डिज़ाइन फेज, तो ये इसलिए एक यूनिक एक्सपीरियंस हम स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सैयदा फातिमा भी हमारे साथ मौजूद है। फातिमा आप डिज़ाइन को भी देखती हैं, ओवरऑल जिस तरह से बिजीज बता रहे थे कि आप लोगों ने इसको इस तरह से डिज़ाइन करना था कि ऑब्वियसली जो वैक्सीन की फरामी है इट्स नॉट एन ईजी टास्क और फ्रेजाइल और ये सारे मामला भी होते हैं, सो टेल अस अबाउट द डिज़ाइन और आपका डिज़ाइन बाकी जो वहाँ पर टीम्स आई हुई थी उनसे किस तरह से डिफरेंट था जो क्लिक किया और जिसकी वजह से आपने कॉम्पिटिशन को विन किया। अच्छा, सो बेसिकली हमारा जो सब सिस्टम था जो हमने यूज़ किया था हमारे वाइल पैकेजेस डिलीवर करने के लिए, उसकी ख़ास बात ये थी कि एक तो उसको इन्वर्टेड गल्विंग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो टेस्ला के डोर से इंस्पायर्ड था और उस वो एल शेप का डोर था जिसमें वाइल पैकेज रख के और नीचे की तरफ खुलता था। उसकी ख़ास बात ये थी कि एक तो जब हम ड्रॉप करते थे उस वाइल पैकेज को तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी कम थी कि जब वो हिट करता था ग्राउंड पे तो उस पर इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं आता था। और उसको ड्यूरिंग फ्लाइट भी इस तरह से प्लेसमेंट की हुई थी कि ड्यूरिंग फ्लाइट, लैंडिंग, टेक ऑफ, थ्रू आउट द फ्लाइट उस पर कोई बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि उस पर सेंसर्स लगे हुए थे जो कि ट्रिगर हो जाते थे जरा से भी इम्पैक्ट से। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा अजीज, जो हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं इसमें ऐसा लगता है कि जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है वक्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कोविड ने तो उसको और ज़्यादा इसको पुश किया है और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इसकी अहमियत बढ़ती जाएगी और हर उस चीज़ की अहमियत बढ़ती जाएगी जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो, जो खुद से ऑपरेट हो सके या ऑपरेट की जा सके। पाकिस्तान की मार्केट, आप बीइंग अ स्टूडेंट आपने उस पर रिसर्च किया होगा, आपने इतना अच्छा एक प्रोडक्ट बनाया है, कैसे देखते हैं और मुस्तकबिल में आपके इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ऑन अ लार्जर स्केल? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, मतलब आगे हम जैसे जैसे जा रहे हैं हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और इस हिसाब से यही है कि ह्यूमन लेबर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ इंसान का जाना सेफ़ नहीं होता तो वहाँ मोस्ट प्रॉब्ली ड्रोन्स का यूज़ करते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट था वो इस तरह था कि जिन एरियाज़ को जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं है, एज इन जो ट्राइबल एरियाज हैं या रूरल एरिया जिनका डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई, वहाँ भी वैक्सीन पहुँचाना था हमने। तो बेसिकली हमारा जो मेन इसका मिशन मतलब इम्पैक्ट था सोसाइटी पे वो ये था कि आप उनको उनकी भी मदद कर सको जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो बेसिकली हमारा जो एयरक्राफ्ट था वो इसलिए बना था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब भी आप ऐसे किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाते हैं या कॉम्पिटिशन में जाते हैं, फातिमा में से या अलिशबा में से कोई भी इसका जवाब दे दे तो आपके लिए खुद इटसेल्फ बहुत बड़ी लर्निंग होती है। वहाँ पे जो मुख्तलिफ टीम्स आई होती हैं आप उनके तजुर्बों से भी सीखते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सो अगर मैं इन शॉर्ट आप दोनों में से किसी एक से पूछूँ कि आपने क्या लर्न किया, इससे क्या एक्सपोजर मिला आपको बीइंग स्टूडेंट जो कि आपको आने वाले वक्त में काम आएगा, तो क्या शेयर करेंगे आप हमारे साथ? इससे हमने मोस्टली यही सीखते हैं इसके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस
जल्दी से कैसे लाना है, मतलब वहाँ पे ऐसी भी टीम्स थी जिनके लास्ट मोमेंट जो है वो क्रैश हो गए थे, तो वो लास्ट मोमेंट जहाज बना के लाए थे। अच्छा। और हमने भी क्योंकि वहाँ पे क्रॉस विंड्स हमें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी थी जो हम उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो हमने उसी टाइम फ्लैप्स लगा दिए थे। तो इस तरह से क्विक सॉल्यूशंस लाने होते हैं क्योंकि आप हर चीज पहले से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो एज इंजीनियर्स हमें होना चाहिए इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज कि हम अपनी नॉलेज को उसी वक्त अप्लाई करें और क्विकली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अच्छा अलिश्मा, आपने क्विकली बताइएगा इस अपनी जो एक्सपर्टीज है उसमें क्या चीज़ अडॉप्ट की वहाँ पे जाके, ऑब्वियसली इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के दीगर टीम्स भी वहाँ पे मौजूद थी, उनकी भी मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपने देखी होंगी, सो आपने क्या सीखा? तो बेसिकली हम कंपटीशन में तो जाते ही हैं, बट एक अलग पेट्रियोटिज्म होता है और एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आपस में तो हम टीम्स कम्पीट कर रही होती हैं, बट ओवरऑल हम भी कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कोई हमसे कुछ टेक अवे करता है। अब आप तीनों हमें लाइटर एंड भी बताएं कि सबसे ज़्यादा नर्वस कौन था जब आप लोग टेस्ट करने जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट है वो खुदा ना खास्ता फ्लॉप भी हो सकती है, वो क्रैश भी हो सकती है, सबसे ज़्यादा नर्वस कौन था और सबसे ज़्यादा बगअप कौन कर रहा था टीम को आप तीनों में से कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी, फिंगर्स तो क्रॉस थी लेकिन ऑप्टिमिज्म हम तीनों का ही था, एज इन मतलब टीम ऑप्टिमिस्टिक थी और ये हमारा क्रैश हुआ था जहाज जाने से पहले। okay. मतलब कंपटीशन के अंदर नहीं, हम जब जीकी में हमने बनाया था जब गुलाम साहब खान में थे तो हम टेस्टिंग फेज में उसको लेके जाते हैं, उसमें यू गाइस आर आवर प्राइड, नहीं उठ पाया था लेकिन बाद में फ्लॉप का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहां पे आए हो हमें बहुत अच्छे से मिलके, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, इंशाल्लाह आपने बहुत आगे जाना है और आते रहिएगा और इसी तरह से नए नए प्रोजेक्ट कीजिए, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। गुड लक। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम में आगे बढ़े, कुछ हेल्थ की बात कर लेते हैं और हेल्थ में थैलेसीमिया हम आपको मालूम है ऑफ एंड ऑन इस पर लाजमी बात करते रहते हैं, ये बहुत अहम एक मसला है। मई के दूसरे हफ्ते के अंदर इसका दिन मनाया जाता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है, जिस तरह मदर्स डे हम मनाते हैं, कल मदर्स डे इनफैक्ट गुजरा, तो चूंकि कल हम नहीं थे तो तमाम माओं को खराज तहसीमिया हमारी तरफ से, एंड मे ऑल द मदर्स लिव लॉन्ग जो भी हैं और जो दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। खैर, गेटिंग बैक टू थैलेसीमिया जी, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, मौरूसी भी है, मुंतकिल है और जब तक शादी से पहले बाकायदा तौर पर हम जो ब्लड टेस्ट हैं इसको मुमकिन नहीं बनाते, इसका मुकम्मल एग्जामिनेशन मुमकिन नहीं बनाते, इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। और जिन बच्चों को थैलेसीमिया की बीमारी हो जाती है दे ऑलवेज नीड ब्लड, उनकी ज़रूरत होती है वरना उनकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है, बहुत मुश्किल होती है। इसी के हवाले से सबसे कुछ अर्सा पहले हमारे जो दो को होस्ट हैं वकार मलिक और हिना न्याजी, उन्होंने थैलेसीमिया सेंटर का विजिट किया, बच्चों की मुश्किल भी जानी और इसका हल क्या इस पर भी बात की, तो वी हैव अ कम्प्लीट सेगमेंट टुडे अबाउट दिस थैलेसीमिया डिजीज, आपको भी दिखाते हैं और जरा देखिए इसमें क्या मालूमात आप तक पहुंचाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं और वकार अहमद गंगाराम के थैलेसीमिया वार्ड में मौजूद हैं। नाज़रीन, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है और थैलेसीमिया में नॉर्मल हेमोग्लोबिन ना बनने की वजह से सुर्ख खून के खुलिए जो है वो नहीं बनते, जिसकी वजह से बच्चे खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। वकार साहब, जब भी थैलेसीमिया से रिलेटेड कोई प्रोग्राम देखा, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी या कोई पिक्चर सोशल मीडिया पर देखी, बहुत तकलीफ हुई। मुझे ये बताइएगा कि थैलेसीमिया के खिलाफ हम कैसे जिहाद कर सकते हैं और इस चीज़ पर कैसे काबू पाया जा सकता है? थैलेसीमिया के वाले से ये इन्फॉर्मेशन अगर हम दे दें नाज़रीन को कि आपका छोटा सा डिसीजन अगर आप वो नहीं करते शादी से पहले, और अल्लाह ना करे कि थैलेसीमिया मेजर का एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो सिर्फ बच्चा तो सफ़र करते ही करता है, वालदैन किस तरह वो वालदैन वो पेरेंट्स एक फैसला ना करने की वजह से स्क्रीनिंग के वाले से वो कितना। और स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है वकार साहब वो तो इतना कन्वीनियंट हो गया, और आप और मैं भी आज यहाँ पे कैरियर स्क्रीनिंग अपनी कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि खुदा ना खास्ता अगर हम थैलेसीमिया कैरियर्स हैं तो उसका आगे फर्दर प्रोसेस क्या होगा, और इस पर हम डॉक्टर से प्रॉपर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि है क्या थैलेसीमिया, उससे रिलेटेड जितने भी सवाल मेरे माइंड में वकार साहब के माइंड में हम अपने नाज़रीन। और हर बंदे को तो सिर्फ ये नहीं है कि जो मतलब जिनके अंदर वो जीन्स के अंदर वो थैलेसीमिया के हवाले से वो चीज़ें पाई जाती हैं, ये बात नहीं है, ओवरऑल तमाम जो लोगों को है उनको आइडिया होना चाहिए थैलेसीमिया, सो दैट के कुछ डोनर्स बन जाएं ताकि उन बच्चे जिनको हर महीने खून लगता है, 90,000 बॉटल्स चाहिए हर मंथ में इस वक्त और हर
6000 हमारे मतलब 60,000 जो है इस वक्त थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं, और जो कि हर साल उनमें 6000 का इजाफा हो जाता है, और इतना मतलब इसके लिए बजट और वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कम अज़ कम हम जिसको कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का रवैया अख्तियार करते हुए, हम उन बच्चों का एहसास करते हुए कम अज़ कम हम डोनर ही बन जाएँ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसके मतलब ये है कि स्क्रीनिंग भी करवाएं, डोनर भी बने, लेकिन थैलेसीमिया के वाले से अवेयरनेस जो है वो बेसिक उसकी क्या है, अवेयरनेस जो हमारे पास हमें नहीं है, तो हम चाहेंगे कि नाज़रीन तक पहुँचाएँ। और आइए चल के बात करते हैं डॉक्टर से। थैलेसीमिया बेसिकली एक खून की मौरूसी बीमारी है, और इसके अंदर ये होता है कि जो बच्चे इसका शिकार होते हैं बेसिकली वो थैलेसीमिया मेजर के या थैलेसीमिया इंटरमीडिया के बच्चे होते हैं, और इनके अंदर खून चूँकि बन नहीं पाता, तो जिसकी वजह से ये ज़िंदगी के पहले 6 महीनों के अंदर ही ये खून की कमी का शिकार हो जाते हैं, और साल के करीब इनकी अलामत इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं कि इनको हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर डालना पड़ता है। थैलेसीमिया मेजर के जो नए पेशेंट्स आते हैं, यानी जो नए केसेस आते हैं, तो अपवर्ड है अभी तक या कोई डिक्लाइन की कोई अभी तक नहीं? डिक्लाइन का एविडेंस अभी तक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अभी फॉर द टाइम बीइंग ये इसमें जो हम देख भी रहे हैं और जो ट्रेंड है वो इवन बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। हम अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जी आप थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम ऐसी जगह पे खड़ा है कि जहां आप अगर अमेरिका में भी टेस्ट करवाने जाएंगे या किसी भी वेस्ट कंट्री में भी जाएंगे तो वो जो फैसिलिटीज़ वहां पर हैं वो यहां हमारे पास मौजूद हैं। टेस्ट की कॉस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, गवर्नमेंट किसी किस्म के पैसे चार्ज नहीं करती। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि हम भी जाके, मैं और वकार साहब भी अपनी कैरियर स्क्रीनिंग कराएं, तो आप हमें लेके जाएंगे? शादी के बाद बिल्कुल वो कैरियर स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, और अगर उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो दोनों कैरियर्स नहीं हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कपल में एक कैरियर है और दूसरा नॉन कैरियर है तो उसमें जो उनके बच्चे पैदा होंगे उसमें 50% चांस है कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होंगे। आपको एक बार फिर और न्यूज़ अपडेट की जानिब जाने से पहले हम आपको थैलेसीमिया के हवाले से सेगमेंट दिखा रहे थे, हमारे कोच वहाँ पर मौजूद थे, तो दोबारा ज़रा आपको दिखाते हैं, मुकम्मल करते हैं वापस आके। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? हसन। हसन भाई, आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए? आज़ाद कश्मीर। खेल और कौन से खेल खेलते हैं? जी जी। क्या? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हैं जी। और अच्छे फुटबॉलर हैं आप? जी, बहुत अच्छा खेलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है कि सबको परेशानी दूर हो जाए। हाँ। सब ठीक हो। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे और आप वाकई में एक टाइगर हैं। और मैं आपको है ना दिखाऊंगी, ये जितने भी बच्चे हैं आप वो देखें, एक छोटा सा बच्चा है, ये बड़ा शरारती सा है और एनर्जेटिक सा बच्चा लगता है, एनर्जेटिक सा बच्चा है। बात ये है कि ये तमाम बच्चे जो हैं, ये जो डोनेशन हम कह रहे होते हैं ना ब्लड डोनर्स के लिए, उनको थैलेसीमिक या थैलेसीमिया वॉरियर का नाम देते हैं जो डोनर्स हैं। वो डोनर किसके लिए थैलेसीमिया के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ये वो कर रही होती हैं इस तरह छोटे छोटे बच्चों के लिए, और उसमें जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। इन बच्चों को वो ब्लड लग रहा होता है। पर्पस है कि इतने मासूम फूल जैसे बच्चे जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, और ना सिर्फ ये इस तकलीफ से गुजर रहे हैं बल्कि इनकी फैमिलीज कितनी तकलीफ में है इस टाइम, तो हमारे इस सेगमेंट का मकसद है कि लोगों को हम अवेयरनेस जो है, लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचाएं कि प्लीज़ एक छोटा सा कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट है वो अपना ज़रूर कराएं ताकि इस तकलीफ। और है ना, किसी टाइम पे हम ये कह सकते थे कि गफलत या लापरवाही यकीनन नहीं थी, लाइल्मी थी, लेकिन अगर आज आप जितने लोग ये सुन रहे हैं इसके बाद अगर वो टेस्ट नहीं करवाते तो फिर ये गफलत में आएगा और फिर लापरवाही में आएगा। अच्छा वकार साहब, मैं चाहूँगी कि इस बच्चे से बात की जाए, बड़ा एनर्जेटिक सा लग रहा है। बेटा बोलो, बेटा बोलोगे? ये बोलते बोलते
बोलता तो है लेकिन ये फिर मर्जी से नहीं, वो मर्जी से बोल करके बोलता है अभी बोलता है मर्जी से बोलता है। चलो कोई पोएम आती है? नहीं बेटा, कोई पोएम आती है बेटा? कुछ बोलो। चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट चाहिए? चलें उस, मैं ना, मेरा ख्याल है वो इस वक्त मूड में हैं, तो फिर कभी चलें। बाय कर दो बेटा, यू कर दो। अल्लाह हाफिज। ऐसे कर दो, बाय कर दो, बाय। अच्छा मुझे हाथ मिला। हाँ बस है, देखो खूबसूरत समाई। बाय कर दो मुझे। बहुत खूबसूरत समाई। मुझे हाथ मिला दो। हाथ मिला दो, चलो। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ है ना, देखिए ना, एक लाख से ज़्यादा बॉटल्स चाहिए होती हैं। बिल्कुल। और ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है जब ब्लड नहीं लग रहा होता या ब्लड नहीं मिल रहा होता वालदैन को, बच्चों के लिए और वालदैन पे क़यामत गुजर जाती है। बिल्कुल। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन, ये जो डोनर्स हैं वो अपना ब्लड डोनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कम अज़ कम ये जो बच्चे हैं ये तो कम अज़ कम इनको एक इनकी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें, और बाकी जो है टेस्ट जो है वो बड़े ज़रूरी हैं। बिल्कुल, एक सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है, कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट है, हम बार बार अपने इस सेगमेंट में ये रिपीट कर रहे हैं, जो बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो काइंडली इस सेगमेंट को देखने के बाद आप सब लोगों पर अब ये जिम्मेदारी है कि आप लोग जाएं और अपना अपना कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराएं। इस सेगमेंट को देखने के बाद और इस सेगमेंट में जो हमने बच्चे दिखाए इनको बच्चे देखने के बाद, बिल्कुल, तो आप पे ये बुनियादी अखलाकी जिम्मेदारी पैदा होती है। ये बड़े खूबसूरत बच्चे और वो बहुत प्यारे बच्चे हैं, लेकिन साथ साथ बहुत तकलीफ दे भी है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जब हम कहते हैं ना कि ये यंग पाकिस्तान है, तो किसी भी नौजवान के लिए ये कोई इशू नहीं है कि वो ब्लड ना दे सके। सिर्फ 1%, इससे भी कम लोग ब्लड डोनेट करना शुरू कर दें तो थैलेसीमिया नहीं, हमारी हर किस्म की ब्लड की नीड्स पूरी होती हैं। जब हम किसी से ब्लड लेते हैं तो उसमें तकरीबन हम 7-8 किस्म के टेस्ट करते हैं, जो जिनकी अगर आप प्राइवेटली टेस्ट करवाएँ तो 8-10,000 पे कॉस्ट आती है। एक बैग आप ब्लड देते हैं तो उससे 3 किस्म के मरीज उससे फ़ायदा उठाते हैं, और वन ऑफ देम थैलेसीमिया का मरीज भी है, उसको पैक्सल्स आ जाते हैं, किसी को प्लेटलेट्स चले जाते हैं, इसी तरह उससे बाय प्रोडक्ट्स ब्लड्स की बन जाती हैं। सेगमेंट में हमने और बिलखसूस मैंने और यकीनन आप सब ने दो तीन बातें जरूर सीखी। एक, जिनको भी ये होता है थैलेसीमिया, ये बाकायदा नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं वो कि वो तकलीफ दे, एक प्रोसेस जरूर होता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट तो ये है कि कोई भी ऐसा आपको फर्द मिले जो कि थैलेसीमिक हो, तो एहतराम और प्रायोरिटी उसको मुआशरे में तरजीह दें। आपको नहीं मालूम कितनी तकलीफ दे सूरत हाल। बिल्कुल। और जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। आप ब्लड डोनर्स जितने भी हैं वो कम अज़ कम थैलेसीमिया जो है इसके मुख्तलिफ सेंटर्स मुख्तलिफ जगहों पर 36 अज़ला में ये सारा जो है वो काम है, पूरा नेटवर्क है। बिल्कुल। तो आप खुद अपनी अपना टाइम निकाल के इसको एक सदका जारिया समझ के, इसको बहुत बड़ी नेकी समझ के जरूर जाइए और ब्लड डोनेट कीजिए। मैं और वकार साहब भी जाके अपना ब्लड डोनेट करते हैं। जी सर, आइए। थैलेसीमिया के हवाले से आपने हमारा ये खसूसी सेगमेंट देखा। आप ज़रूर स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, उसके साथ साथ आपको अगर आप खून का अतिया दे सकते हैं तो ज़रूर दें। आपकी एक अतिये से, आपकी एक बीवी बॉटल से बच्चे की ज़िंदगी बन सकती है। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है। थैलेसीमिया के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल और रोज़ाना। पीर का दिन था, अभी पूरा हफ्ता बाकी है, और फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।